पूर्वी राजस्थान में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। मध्य क्षेत्र के मतदान प्रतिशत भी बढ़ा है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में सबसे कम वोटिंग हुई है। पूर्वी क्षेत्र ऐसा रहा है जहां पिछले चुनाव की तुलना में मत प्रतिशत बढ़ा है। 5 हिस्सों में बटे राजस्थान में सबसे ज्यादा मतदान पूर्वी क्षेत्र में ही हुआ है। इसमें नर जिलों की 47 सीटें हैं, जहां 74.61% मतदान हुआ है, जबकि सबसे कम 68.13% पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है। सियासी जानकार बढ़े हुए मतदान के मायने निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्वी राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सबसे ज्यादा भीड़ शामिल हुई। दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, अलवर और भरतपुर में गुर्जर वोटर हार जीत तय करते हैं। राजनीतिक जानकार का कहना है कि पूर्वी राजस्थान में गुर्जर वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं, हार जीत में अहम भूमिका भी निभाते हैं। पूर्वी राजस्थान के सियासत का केंद्र बिंदु दौसा जिले के सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की कर्मस्थली रही है। सचिन पायलट का खासा प्रभाव माना जाता है। गौरतलब है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा भीड़ पूर्वी राजस्थान में ही उमड़ी थी। दौसा जिले में रिकॉर्ड भीड़ से राहुल गांधी हैरान हो गए थे। यही नहीं, राहुल गांधी के सामने सचिन पायलट को सीएम बनाने के नारे भी खूब लगे थे। सियासी जानकारों का कहना है कि राजस्थान में 0.33% से भी सत्ता बदल सकती है। ऐसे में पिछली बार की तुलना में सचिन पायलट के समर्थक भी पूर्वी राजस्थान से ही आते हैं। इस बार भी चुनावी मैदान में है। इस बार चुनावी मैदान में कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट के कहे के मुताबिक टिकट भी दिया। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव 2018 में 0.54% अधिक वोट से कांग्रेस की सरकार बन गई थी। विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस को पूर्वी राजस्थान में बम्पर जीत मिली थी। 39 में से बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिली थी, बाकी पर निर्दलीय बसपा कांग्रेस को विजयी मिली थी। दौसा में भाजपा नेता किरोड़ी लाल मीणा का किला ढह गया था। दौसा जिले के 4 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। 1 सीट पर भाजपा के बागी और निर्दलीय उम्मीदवार ओम प्रकाश हुडला ने किरोड़ी लाल के भतीजे राजेंद्र मीणा को हराया था। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे दौसा से प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा ने भाजपा के विधायक शंकर शर्मा को शिकस्त दी। लालसोट सीट पर भी पूर्व मंत्री परसादी लाल मीणा ने भाजपा के रामविलास मीणा को कांटे की टक्कर दी। बांदीकुई सीट पर कांग्रेस के जीआर खटारा ने पूर्व मंत्री और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए रामकिशोर सैनी को त्रिकोणीय मुकाबले में परास्त कर दिया। सिकराय से कांग्रेस की ममता भूपेश विजयी रही। उन्होंने भाजपा के विक्रम बंसीवाल को करारी शिकस्त दी। इस बार भी वही चेहरे आमने सामने हैं। इस बार महुआ ओपी हुडला कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार निर्दलीय जीते थे। तो इस तरह से पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट का क्या चल गया जादू, बम्पर वोटिंग के क्या है मायने। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।